एक जमात ने कनपटी पर बंदूक रखकर कहा फ्रांस के सफीर को वापस भेजो, मुल्क में 100 साल भी तोड़फोड़ से यूरोप में तौहीन रिसालत खत्म नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्तान में खिताब, कहा जब तमाम इस्लामी ममालिक मुत्तहिद होंगे तो मगरब पर असर भी बढ़ेगा। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को बॉलीवुड एक्टर करार दे दिया, कहा अदाकार कभी बूट तो कभी कैप पहन कर खड़ा हो जाता था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहते थे जिसे छुट्टियाँ गुजारने के लिए बाहर जाना पड़े, जो मुल्क पैसा चोरी करके बाहर भेजे। एक जमात ने आके हुकूमत की कनपटी पर बंदूक रख के और कहा कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो। ये जो टीएलपी कर रही है कि जी हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो और नहीं तो ये कर देंगे और तोड़फोड़ हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं 100 साल आप ये कर लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। हर किस्म की मैं देखता हूँ मीडिया में तनकीद होती है उस्मान बुज़दार के ऊपर, बड़े एक कैंपेन चलती है कि वज़ीर आला पंजाब अहलियत नहीं रखते पंजाब का वज़ीर आला बनने के लिए। हॉलीवुड का एक्ट्रेस बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियाँ पहन के खड़ा होता था, उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं। वो आदमी मुझे चाहिए था जो पाकिस्तान में जिसका जीना मरना हो, जिसको कोई छुट्टियों के लिए लंदन ना जाना पड़े, जिनकी छुट्टियां भी बाहर, ईद भी बाहर, बच्चे भी बाहर रह रहे हैं। एक छोटा सा तबका मुल्क का खून चूस रहा है, इसको एलीट कैप्चर कहते हैं। उनके लिए एक पाकिस्तान, अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान। वो चोरी करें, करप्शन करें, उनकी डील्स होती थी, एनआरओज होते थे, वो चोरी करते थे फिर आप वापस आके चोरी करते थे, मुल्क के वसायल को बाहर भेजते थे, बड़े बड़े बाहर महलात। तो मुझे तो पता है कि इन्होंने किस पाकिस्तान, लंदन के महंगे तरीन इलाकों में इन्होंने महलात लिए हुए हैं, वो कितने महंगे हैं। वहाँ के उधर के भी वजीर उन इलाकों में नहीं इस तरह के महल ले सकते, उनका वजीर आजम के पास इतना पैसा नहीं उन इलाकों में रहने का जिधर हमारे यहाँ बुजरा और हमारे हुक्मरान यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर ले गए। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफी, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहल औलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।